हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के लेस क्रैक नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने एक नई रिकॉर्डिंग लेके आ रहा हूँ। आज मैं आपको ड्राइंग के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो दोस्तों, ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, इसके अंदर अगर कोई डाउट आता है तो आप जो है ऐप के अंदर आप पूछ सकते हैं। ऐप के अंदर मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताया था। मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एलुमनाई रह चुका हूं। और अपने पास आउट होने के बाद से मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया था। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ड्रॉइंग के ऊपर मैं एमसीक्यू बेस कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं इससे आपका रिविजन हो जाएगा। थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताता हूँ। अनअकैडमी भारत के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको नीट पीजी के लिए आपको गाइडेंस देते हैं, मेंटर करते हैं। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स अवेलेबल हैं और ये एजुकेटर्स अपनी फील्ड में एकदम टॉप हैं। यहाँ पे एजुकेटर्स आपकी लाइव क्लासेस भी लेते हैं। तो अगर आपके कोई भी डाउट आते हैं, कोई भी क्वायरीज होती हैं, तो यहाँ पे आप अपने क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट कवरेज मिलता है सिलेबस का। यहाँ पे दोस्तों आपको मॉक टेस्ट की सुविधा भी मिलती है। इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन का इवेल्युएशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिलते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर इंटर्न्स की बात करूँ तो इंटर्न्स का डेली अलग अलग ड्यूटी आज रहता है, तो वो एक अपना शेड्यूल मेंटेन नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे में अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप जब चाहें अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं अपना खुद का टाइम टेबल बना के। यहाँ पे दोस्तों आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलती है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल है और भी बहुत सारे लैंग्वेज में यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्रैक्टिस के लिए क्विजेस की सुविधा भी दी गई है। इन क्विजेस के थ्रू भी आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बाय चांस अगर आपके पास इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो आप जो है ऑफलाइन भी देख सकते हैं। आपको बस डाउनलोड करके रख देना और फिर आप उसको ऑफलाइन भी आप कभी भी जितनी भी बार चाहें आप मल्टीपल टाइम्स आप उसको देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं, तो यहाँ पे आप एजुकेटर साथ चैट कर सकते हैं, वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं, किसी चीज के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उन क्वेश्चन का आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको इंटरेक्टिव पोल की सुविधा मिलती है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जिसके चार ऑप्शन हैं, वो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। आपको बस सिंपली जो सही आंसर होगा उसको क्लिक करना रहेगा। तो दोस्तों, इसका ये है कि आप अपने घर के सेफ एनवायरनमेंट में लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठा ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप एजुकेटर के सामने आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। यहाँ इससे होगा ये दोस्तों, आप जो है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है काफ़ी ज़्यादा स्टैमिना बढ़ेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अगर दोस्तों आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में भी रहते तो भी आपको घबराने की बात नहीं है, आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप हमसे जुड़ जाएंगे। सर, ये हुआ लर्न एनी टाइम एनी वेयर। दोस्तों, आपको बस करना ये है, आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 months। तो दोस्तों, अगर मैं इनके सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूं तो सब्सक्रिप्शन लेते टाइम अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRAM तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसका ना ये हुआ दोस्तों, अगर आप 1 month का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको ये पड़ेगा 4500 का। अगर आप 3 month का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 11250 का। 6 month का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 18000 का। अगर आप 12 month का लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 22500 का। ऐसे दोस्तों, अगर आप 24 months का लेते हैं यानी कि 2 साल का लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड LIVEDRAM मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 27000 rupees का। तो दोस्तों, अगर मैं आपको एक चीज़ के ऊपर फोकस करवाऊँ तो 12 months के चार्जेस में अगर 1 month के चार्जेस और ऐड कर दूँ तो ये टोटल बनता है 27000 rupees। तो इसके अलावा ये हुआ दोस्तों, आपको अगर 1 month एक्स्ट्रा अगर आप देते हो तो आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि आपको पे करना है 13 months के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों वो मिलेंगे पूरे 2 साल के लिए। तो दोस्तों, अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है तो एग्ज़ाम 8 महीने बाद है, 8 महीने के बाद दोस्तों एग्ज़ाम के बाद फिर रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद फिर काउंसलिंग होती है। तो दोस्तों, तब तक जो है कुछ टाइम बाद ही एम्स की एग्ज़ाम की बारी आ चुकी होती है। तो दोस्तों, आप अपने एग्ज़ाम के नीट एग्ज़ाम के बाद भी आप अपनी पढ़ाई के टच में रह सकते हैं, अगर आप 2 साल का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। दोस्तों,
एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आप जो है अपने सेफ इन्वायरमेंट में, घर के सेफ इन्वायरमेंट में बैठ के आप लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठा रहे हैं, प्लस आप एजुकेटर के सामने ही आप जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो दोस्तों डबल डबल बेनिफिट मिलता है, तो काफ़ी सारे बेनिफिट उसके साथ और भी हैं, तो एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आया करिए कि यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी। हमेशा अपने अंदर ये पॉजिटिव एनर्जी लेके आया करिए दोस्तों, जब भी आप पढ़ाई करते हैं, इससे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर माइंड में आएगी, और इससे आप काफ़ी ज़्यादा रिटेन करने में भी आप जो है फोकस रह पाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक रिकॉर्डेड सेशन है, इसके अंदर अगर कोई भी डाउट आता है तो मैं यहाँ तो नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, लेकिन आप ऐप के अंदर आप मेरे से पूछ सकते हैं, ऐप के अंदर मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ, वहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन ईच फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग द दैट अकर विद इन 4 to 5 minutes ऑफ सबमर्शन ड्यू टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो फ्रेश वाटर की बात चल रही है दोस्तों, तो देखते हैं क्या बात हो रही है इसके अंदर। ऑप्शन देखते हैं, टोटल एस्फिक्सिया इज प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रेश वाटर, नहीं। लेंजियोस्पाज्म कॉजिंग वेगल इनहिबिशन, नहीं। हीम कंसेंट्रेशन ऑफ ब्लड कॉज बाई द ऑस्मेटिक प्रेशर इफेक्ट, नहीं। हीमोडाइल्यूशन ओवर लोडिंग ऑफ हार्ट एंड हीमोलाइसिस रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ पोटेशियम। दोस्तों ये है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग की बात चल रही है, तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। इन ड्रॉनिंग फाइंडिंग ऑफ लेफ्ट हार्ट, क्या होता है दोस्तों अगर फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग हुआ है तो ये ज्यादा डेंजरस होता है, कैसे बताता हूँ आपको। हाइपरवॉलीमिया होता है इसके अंदर, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर क्रॉसेस एल्वियोलर मेम्ब्रेन इनटू सर्कुलेशन, हीमोडाइल्यूशन एंड लाइसिस ऑफ आरबीसी होने की वजह से ही पोटेशियम का रिलीज होता है, तो इससे क्या होगा, इंक्रीज पोटेशियम लेवल, डिक्रीज सोडियम एंड क्लोराइड लेवल, इससे क्या होगा दोस्तों, डेथ ड्यू टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होने की वजह से दोस्तों ये ज्यादा डेंजरस होता है। सॉल्ट वाटर ड्रॉनिंग की अगर बात करें दोस्तों, हाइपरवॉलीमिया होता है इसके अंदर, यहाँ पे दोस्तों हमने देखा था हाइपरवॉलीमिया होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हाइपोवॉलीमिया होता है, सर्कुलेटरी शॉक एंड पल्मोनरी एडिमा, एज हाइपरटॉनिक इनहेल्ड वाटर कॉज लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम सर्कुलेशन इनटू लंग्स। इसमें दोस्तों और क्या क्या देखा जाएगा, हीम का कंसेंट्रेशन देखा जाएगा, यहाँ पे देखा था हमने हीम का डाइल्यूशन, यहाँ पे दोस्तों होता है हीम का कंसेंट्रेशन एंड प्रीनेटेड आरबीसी। क्या होगा दोस्तों इसके अंदर, इंक्रीज मैग्नीशियम और क्लोराइड लेवल रहेंगे इसके अंदर, और इसके जो डेथ होती है दोस्तों, डेथ ड्यू टू ए सिस्टोल और कार्डियक स्टैंड स्टिल। तो दोस्तों सिंस यहाँ पे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा डेंजरस हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ डेड बॉडी इन कैजुअलिटी शोज फाइन लेदरी फ्रॉथ कमिंग आउट ऑफ द माउथ एंड नॉस्ट्रिल एंड इट कम्स आउट प्रोफ्यूसली ऑन प्रेसिंग द चेस्ट वॉल, कॉज इज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए, ड्रॉनिंग। मॉर्फिन पॉइजनिंग नहीं, स्ट्रेंगुलेशन नहीं, दतुरा पॉइजनिंग नहीं, तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ही है फ्रॉथ, चेस्ट को प्रेस करने से ये और ज्यादा निकल के आता है बाहर, तो ये ड्रॉनिंग का ही एग्जाम्पल है। क्यूटिस एंड सेरिना सीन इन, तो क्यूटिस एंड सेरिना किसके अंदर देखा जाता है, ड्रॉनिंग इसके अंदर देखा जाता है, थ्रॉटलिंग नहीं, स्ट्रेंगुलेशन नहीं, गैरेटिंग नहीं, हैंगिंग नहीं, तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो ड्रॉनिंग के केस में क्यूटिस एंड सेरिना देखा जाता है, इसी वजह दोस्तों गूज स्किन भी बोला जाता है, तो ये जो आप देख रहे हैं यही है गूज स्किन या फिर क्यूटिस एंड सेरिना। पेटिकल हेमरेज इन ड्रॉनिंग इज सीन इन, तो पेटिकल हेमरेज किसके अंदर देखा जाता है दोस्तों, तो सब प्लूरल टिश्यू ऑफ लंग इसके अंदर देखा जाता है, सब म्यूकोसा ऑफ ट्राइकिया नहीं, ब्रोंकियोल्स नहीं, एल्वियोलर नहीं, तो ए हो गया इसका दोस्तों करेक्ट आंसर।
इसी को दोस्तों बोला जाता है पल्ट ऑफ हेमरेज, इसी को दोस्तों बोला जाता है पल्ट ऑफ हेमरेज। दीज आर सब प्लूरल हेमरेज मोस्टली नोटेड ओवर इंटीरियर सरफेस एंड मार्जिन ऑफ द लंग्स। दे आर कॉज ड्यू टू रप्चर ऑफ इंटर एल्वुलर एल्वुलर पार्टीशन बीनीथ द प्लूरा। तो ये जो आप छोटे छोटे डॉट देख रहे हैं रेड रेड कलर के, यही है दोस्तों पल्ट ऑफ हेमरेज। यही दोस्तों पल्ट ऑफ हेमरेज। तो एक बार देख लेते हैं हम पोस्टमार्टम साइन ऑफ ड्रॉनिंग, तो क्या क्या साउंड साइंस होते हैं। तो पैथोग्नोमिक दैट इज इंडिकेटिव ऑफ एंटीमोटर ड्रॉनिंग। तो एंटीमोटर ड्रॉनिंग यानी कि मरने से जस्ट पहले, यानी कि जब इंसान पानी के अंदर डूब रहा है वहां से लेके मरने के बीच में जो टाइम होता है उसको एंटीमार्टम बोला जाता है। तो देखते हैं कि क्या जो है डेफिनेट साइन होते हैं। तो एक्सटर्नली क्या देखा जाएगा दोस्तों, फाइन कॉपियस परसिस्टेंट वाइट लेदरी फ्रॉथ फ्रॉम माउथ नोज एंड एयर पैसेज विच इंक्रीज ऑन चेस्ट प्रेशर। तो जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड के अंदर मैंने एक इमेज दिखाई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वो जो फ्रॉथ होता है वाइट कलर का, उसको अगर हम चेस्ट पे प्रेशर देंगे तो वो और ज़्यादा बाहर निकल के आएगा माउथ नोज और एयर पैसेज से। वीट ग्रास मड एक्सेट्रा इन टाइटली क्लेंच हैंड। तो ये तभी होगा दोस्तों जब इंसान जिंदा होगा, एक डेड पर्सन के अंदर वो क्लेंच हैंड कभी नहीं देखा जाएगा। इंटरनली क्या हमें देखने को मिलेगा, वाटर इन स्टोमक एंड इंटेस्टाइन एंड मिडिल ईयर। और जो डेफिनेट साइन है दोस्तों, तो एक्सटर्नली जो डेफिनेट साइन हमें जो देखने को मिला वो था वीट ग्रास मड एक्सेट्रा इन टाइटली क्लेंच हैंड। इंटरनली हमें क्या देखने को मिलेगा, डायटम इन ब्रेन एंड बोन मैरो। तो ये दोस्तों अगर इन दोनों में भी अगर और भी ज़्यादा कन्फर्म आंसर की बात करें तो डायटम इन ब्रेन एंड बोन मैरो ये और भी ज़्यादा डेफिनेट है। तो अगर ये हमें मिल जाते हैं दोस्तों डायटम्स ब्रेन और बोन मैरो में, तो ये सबसे ज्यादा श्योर शॉर्ट साइन माना जाएगा एंटीमार्टम ड्रॉनिंग का। नॉन स्पेसिफिक साइन की बात कर लेते हैं, क्यूटी सेंसरीना जिसको गूज स्किन भी बोला जाता है, वॉशर वुमेन हैंड एंड फीट, पल्ट ऑफ हेमरेज यानी कि सब प्लूरा पिटिकल हेमरेज, एम्फिसीमा एक्वेजम। तो ये क्या होता है दोस्तों, जब ये फ्रॉथ वाला पानी जब लंग्स के अंदर जाता है तो लंग्स थोड़े से हैवी हो जाते हैं, उसी को जो दोस्तों बोला जाता है एम्फिसीमा एक्वेजम। फ्रॉथ इज ऑल्सो सीन इन डेट ड्यू टू सम पॉइजनिंग जैसे कोकेन, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, मॉर्फिन, बार्बिट्यूरेट्स, इन सब के अंदर भी जो है फ्रॉथ देखा था। लेकिन जो फ्रॉथ का जो इसके अंदर कंडीशन होता है, बट द फ्रॉथ इज नाइदर सो फाइन नॉर सो कॉपियस एंड परसिस्टेंट इन पॉइजनिंग। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके लिए जो निमोनिक है दोस्तों वो है कोम, सी से हो गया कोकेन, ओ से हो गया ऑर्गेनोफॉस्फोरस, एम से हो गया मॉर्फिन, बी से हो गया बार्बिट्यूरेट। तो ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ड्राई ड्रॉनिंग इज डिफाइंड एज। तो ड्राई ड्रॉनिंग क्या होता है दोस्तों, ड्रॉनिंग इन सी वाटर नहीं, ड्रॉनिंग इन कोल्ड वाटर डेथ ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट नहीं, ड्रॉनिंग इन डिहाइड्रेटेड बॉडी नहीं, ड्रॉनिंग वेयर डेथ इज ड्यू टू लैरिंजियोस्पाज्म। बिल्कुल सही, ये है सही जवाब दोस्तों, ड्राई ड्रॉनिंग होता है दोस्तों लैरिंजियोस्पाज्म की वजह से। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, वाटर एंटर नहीं किया, तो ड्राई ड्रॉनिंग की बात करें, ड्राई ड्रॉनिंग की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, वाटर डज नॉट एंटर लंग्स। इसके अंदर क्या होगा, ब्रेथ होल्ड, ब्रेथ के होल्ड रखने से होता ये ब्रेथ होल्डिंग। इसके अंदर और क्या रहेगा दोस्तों, लैरिंजियोस्पाज्म देखा जाता है, वेगल इनिबिशन भी होता है और कार्डियक अरेस्ट भी होता है। तो लैरिंजियोस्पाज्म, कार्डियक अरेस्ट और एक होता है वेगल इनिबिशन। तो लैरिंजियोस्पाज्म की वजह से ही जो है जो डेथ होती है वो विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर डेथ हो जाती है। तो डेथ इन फ्यू मिनट्स,
तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। ड्राई ड्रॉनिंग क्या होता है? ड्रॉनिंग वेयर डेथ इज ड्यू टू लैरिंजियोस्पैज़म। तो टाइप ऑफ ड्रॉनिंग की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे पहला टाइप है वेट प्राइमरी या फिर टिपिकल ड्रॉनिंग। इसके अंदर क्या होगा? वाटर इज इनहेल्ड इनटू लंग्स कॉजिंग सीवियर चेस्ट पेन एंड डेथ इज सेकेंडरी टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इन फ्रेश वाटर एंड कार्डियक अरेस्ट इन सी वाटर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रेश वाटर के अंदर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है क्योंकि उसके अंदर हाइपरकैलेमिया और हीमोडाइल्यूशन दोनों होता है, हीमोडाइल्यूशन एंड हाइपरकैलेमिया। तो इसकी वजह से दोस्तों वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है फ्रेश वाटर में। और अगर सी वाटर की बात करें तो सी वाटर की अगर बात करें तो हीम कंसेंट्रेशन होता है और इसके अंदर ब्रैडीकार्डिया देखा जाता है ड्यू टू हाइपरनेट्रीमिया। तो ब्रैडीकार्डिया ड्यू टू हाइपरनेट्रीमिया, तो इसकी वजह से जो है सी वाटर के अंदर कार्डियक अरेस्ट होने की वजह से डेथ हो जाती है। ड्राई ड्रॉनिंग रिजल्ट्स फ्रॉम वाटर एंटरिंग नेजो फेरेंजियल और लैरिंग्स एंड कॉजिंग डेथ फ्रॉम इमीडिएट सस्टेन लैरिंजियोस्पैज़म। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ड्राई ड्रॉनिंग के अंदर लैरिंजियोस्पैज़म होता है और वाटर एंटर नहीं करता है। दिस इज बेस्ट टाइप ऑफ सक्सेसफुल रेसिस्टेशन एज वाटर डज नॉट एंटर द लंग्स। वाटर डज नॉट एंटर द लंग्स, ड्राई लंग्स इसके अंदर देखा जाता है। फिर आता है इमर्शन सिंड्रोम, यानी कि वेगल या फिर सबमर्शन इनिबिशन, इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्यूशन। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों? कॉज डेथ फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू वेगल इनिबिशन द रिजल्ट फ्रॉम कोल्ड वाटर की वजह से होता है दोस्तों। तो देखते हैं, सडन इंपैक्ट विद वेरी कोल्ड वाटर ऑन बॉडी, ईयर ड्रम, नेजल पैसेज, लैरिंग्स, फेरिंग्स या फिर एपिगैस्ट्रियम। हॉरिजॉन्टल एंट्री इन वाटर विद इंपैक्ट ऑन एपिगैस्ट्रियम, डक डाइविंग और डाइविंग इन वाटर विद फीट फर्स्ट। तो इन सब चीजों की वजह से, इसके ना मेन है दोस्तों कोल्ड वाटर की वजह से ये चीज देखी जाती है। तो जो ये हाइड्रोक्यूशन है दोस्तों, इसको याद करने के लिए आप एक निमोनिक ले सकते हैं, वो निमोनिक है हिस। चलिए मैं आगे बता दूंगा, यहाँ तो जगह नहीं है तो आगे बता दूंगा। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों नियर ड्रॉनिंग, पोस्ट इमर्शन सिंड्रोम या फिर सेकेंडरी ड्रॉनिंग। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? जब रिसेसिटेट करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन जो आती हैं तो उसकी वजह से डेथ होती है। तो देखते हैं, सेकेंडरी ड्रॉनिंग रिफर्स टू कॉम्प्लिकेशन इन रिसेसिटेटेड ड्रॉनिंग विक्टिम, द पर्सन मे नॉट बी कॉन्शियस एंड मे हैव डेवलप हाइपोक्सीमिया, ब्रेन डैमेज, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, पल्मोनरी एडिमा, फाइब्रोसिंग, एल्वियोलाइटिस, केमिकल न्यूमोनाइटिस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, हीमोग्लोबिनुरिया, फीवर, सेप्सिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सेरेब्रल एडिमा, अरिथमिया एंड मायोकार्डियल एनोक्सिया। तो इन ये सारी कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर हो सकती है। तो जो इसके अंदर डेथ होगी वो लगभग 1 से 2 दिन में हो जाती है, डेथ आफ्टर 1 to 2 days ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम ड्रॉनिंग। डाई आफ्टर 1 to 2 days ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन। तो हाइड्रोक्यूशन इज, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कोल्ड वाटर की वजह से होता है इलेक्ट्रोक्यूशन इन वाटर नहीं, ड्राई ड्रॉनिंग नहीं, ड्रॉनिंग इन कोल्ड वाटर, ये सही है, पोस्टमार्टम इमर्शन नहीं। तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसके लिए एक निमोनिक है, वो है हिस। तो एस से हो गया हाइड्रोक्यूशन, आई से हो गया इमर्शन सिंड्रोम, और एस से हो गया दोस्तों सबमर्ज सिंड्रोम। तो हाइड्रोक्यूशन जैसे मैंने बताया था आपको कोल्ड वाटर की वजह से होता है, इसके अंदर वेगल इनिबिशन हो जाता है। ड्यू टू कोल्ड वाटर
एम्फिसीमा एक्वेजम इज सीन इन, तो एम्फिसीमा एक्वेजम किसके ने देखा जाता है दोस्तों, वेट ड्राउनिंग के अंदर देखा जाता है, ड्राई ड्राउनिंग नहीं, इमर्सन सिंड्रोम नहीं, सेकेंडरी ड्राउनिंग नहीं, तो वेट ड्राउनिंग के अंदर देखा जाता है, तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो इसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों बता देता हूँ मैं कि एम्फिसीमा एक्वेजम क्या होता है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था फाइन कोपियस लेदरी म्यूकोसा जो फ्रॉथ निकलता है, तो वो चीज जब लंग्स के अंदर जाते हैं तो उसकी वजह से लंग्स हैवी हो जाते हैं, लंग्स आर हैवी ड्यू टू फ्रॉदी वाटर, लंग्स आर हैवी ड्यू टू फ्रॉदी वाटर, इसी को ही दोस्तों बोला जाता है एम्फिसीमा एक्वेजम। नेक्स्ट बात करते हैं, फीचर इंडिकेटिव ऑफ एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग इज, तो इसमें से कौन सा जो फीचर है वो एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग को सजेस्ट करता है, क्यूटियस एंसरीना नहीं, रैगा मॉर्टिस नहीं, वॉशरवुमन फीट नहीं, ग्रास एंड वीट ग्रैब्स इन हैंड, ये है सही जवाब, साइनोसिस नहीं। तो सिंस यहाँ पे डायटम वाला ऑप्शन नहीं है तो वो भी होता, लेकिन यहाँ पे जो एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग को जो सजेस्ट करता वो है ग्रास एंड वीट ग्रैब्स इन हैंड, तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। कैडेवरिक स्पैज़म के बारे में दोस्तों मैं आगे आपको बता दूंगा, तो ये कैडेवरिक स्पैज़म की वजह से ये होता है। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग इज, तो बेस्ट इंडिकेटर यहाँ पे पूछा गया है फ्रॉथ इन माउथ एंड नॉस्ट्रिल, सही जवाब है, क्यूटिस एंसरीना नहीं, वॉशरूम ओपन हैंड नहीं, वाटर इन नोज नहीं, तो दोस्तों ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि दोस्तों जब इंसान जिंदा होता है तभी वो जो है एयर को लेने के लिए रेस्पिरेशन के लिए वो स्ट्रगल करता है, उसी स्ट्रगल की वजह से जो म्यूकस ग्लैंड होती हैं उसकी वजह से ये फ्रॉथ बनता है, तो ये जब इंसान जिंदा होगा तभी फ्रॉथ बन सकता है, एक मरे हुए इंसान के अंदर फ्रॉथ नहीं बन सकता है। तो फ्रॉथ क्या होता है दोस्तों, जब रेस्पिरेशन किया जाता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे बना देता हूँ मैं, तो थोड़ी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो पानी है वो म्यूकस ग्लैंड के साथ रिएक्ट करता है, बार बार रेस्पिरेशन की वजह से जो ऊपर नीचे ये होता रहता है, तो इसी की वजह से म्यूकस ग्लैंड का कुछ म्यूकस भी इसके अंदर आता है, तो जिसकी वजह से फ्रॉथ बनने लग जाता है, फ्रॉथ बनने लग जाता है। और दोस्तों इस फ्रॉथ का कैसा होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ये म्यूकॉइड, क्योंकि यहां पे म्यूकस ग्लैंड होती है, म्यूकॉइड टाइनी वाइट लेदरी एंड परसिस्टेंट, तो ये होती है फ्रॉथ की कंडीशन, मतलब एक ऐसी होती है फ्रॉथ। तो डिफरेंस बिटवीन एंटीमॉर्टम एंड पोस्टमॉर्टम ड्रॉनिंग, तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। कैडेवरिक स्पैज़म मे बी सीन, लेकिन पोस्टमार्टम ड्रॉनिंग के अंदर नहीं होता है। जो दोस्तों मैंने क्लेंच फिस्ट के बारे में जो मैंने आपको बताया था वो कैडेवरिक स्पैज़म की वजह से ही वो होता है। फ्रॉथ कैसा होगा दोस्तों, फाइन व्हाइटिश कोपियस लेदरी टेनेशियस इंक्रीज ऑन कंप्रेशन ऑन ऑफ चेस्ट, तो ये होगा फ्रॉथ की कंडीशन, फ्रॉथ का करेक्टरिस्टिक। लेकिन पोस्टमार्टम ड्रॉनिंग के अंदर ऐसा कोई फ्रॉथ नहीं होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो फ्रॉथ बनता है वो रेस्पिरेशन के जो ब्रीदिंग का जो स्ट्रगल किया जाता है उसकी वजह से ये होता है। और कैडेवरिक स्पैज़म की वजह से यहां पे मैं कर देता हूं क्लेंच्ड हैंड। स्टोमक इंटेस्टाइन के अंदर क्या रहेगा, वाटर में भी प्रेजेंट, मे ऑल्सो प्रेजेंट सैंड मड ग्रिट सिल्ट एक्सेट्रा, लेकिन यहां पे ऐसा प्रेजेंट नहीं होगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक कैसा होगा, कंटेन फाइन फ्रॉथ, मे कंटेन मड सैंड वेजिटेशन एक्सेट्रा, लेकिन यहाँ पे एबसेंट होगा। मिडिल ईयर एंड मैस्ट्रॉइड ईयर सेल के अंदर हेमरेज देखा जाएगा, लेकिन पोस्टमार्टम ड्रॉनिंग के अंदर ऐसा कोई हेमरेज देखा नहीं जाएगा। तो ये हैं दोस्तों एंटीमार्टम पोस्टमार्टम ड्रॉनिंग के बीच के डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायटम्स आर, तो डायटम्स एल्गी होते हैं, पैरासाइट नहीं होते, बैक्टीरिया नहीं होते, फंजाई नहीं होते, तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो यहां पे आपको डायटम्स दिखा देता हूं, ये हैं डायटम्स,
एल्गी होती है, ये डायटम्स। तो थोड़ा सा आपको बताता हूँ मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ डायटम्स। एल्गी होती है। ओनली अ लाइव बॉडी विद सर्कुलेशन कैन ट्रांसपोर्ट डायटम फ्रॉम लंग्स टू ब्रेन एंड बोन मैरो, स्केलेटल मसल, किडनी, लिवर, सो इट इंडिकेट डेथ ड्यू टू ड्रॉनिंग। तो ये एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग का ये सबसे ज्यादा डेफिनेट साइन है। डायटम इन बोन मैरो एंड ब्रेन हैज मैक्सिमम मेडिकोलीगल सिग्निफिकेंस, देयर प्रेजेंस ऑन अदर विसरा, एग्जाम्पल लिवर, हैज नॉट मच मेडिकोलीगल सिग्निफिकेंस। बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन सच एज फीमर, टीबिया, ह्यूमरस और स्टर्नम इज हाईली सुटेबल एंड रिलायबल। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डेफिनेट साइन है ये, मेडिको लीगली बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक साइन है डायटम्स का बोन मैरो या ब्रेन के अंदर प्रेजेंस होना। सिंस डायटम रेजिस्ट प्यूट्रिफिकेशन, द डायटम टेस्ट इज मोस्ट वैल्यूबल इन डिकम्पोज बॉडी। तो दोस्तों क्या होता है कि डिकम्पोज बॉडी के अंदर भी डायटम टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा। डायटम टेस्ट इज निगेटिव इन डेड बॉडी थ्रोन इन वाटर एंड ड्राई ड्रॉनिंग। तो दोस्तों इससे हम एंटीमार्टम ड्रॉनिंग और पोस्टमार्टम ड्रॉनिंग जो है दोनों के बीच का डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि डायटम टेस्ट निगेटिव रहेगा अगर किसी बॉडी को अगर एज मरने के बाद उसको फेंका गया पानी के अंदर या फिर ड्राई ड्रॉनिंग हुई है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफिनेट साइन ऑफ डेथ ड्यू टू ड्रॉनिंग। तो सैंड एंड मड इन द माउथ एंड नॉस्ट्रिल नहीं, डेफिनेट साइन की बात चलिए दोस्तों यहाँ पे। फाइन लेदरी फ्रॉथ इन द माउथ ऑफ नॉस्ट्रिल नहीं, वॉशरूम वुमेन हैंड एंड फीट नहीं, डायटम इन बोन मैरो। तो दोस्तों इन सब में जो सबसे स्पेसिफिक जो साइन है वो है डायटम इन बोन मैरो। तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि फाइन लेदरी फ्रॉथ इन द माउथ एंड नॉस्ट्रिल ये होता है, लेकिन सिंस इससे भी ज्यादा बेटर आंसर है डायटम इन बोन मैरो। तो डी है इसका करेक्ट आंसर, अगर वन आंसर करेक्ट की बात है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। फॉर डायटम टेस्ट द बेस्ट साइट फॉर टेकिंग सैंपल इज। तो दोस्तों बेस्ट साइट क्या होगा डायटम टेस्ट के लिए? लंग्स नहीं, बोन मैरो ऑफ अल्ना नहीं, बोन मैरो ऑफ फीमर दोस्तों बेस्ट साइट होती है, मसल नहीं। तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो डायटम टेस्ट के लिए जो बेस्ट साइट होती है दोस्तों वो होती है बोन मैरो ऑफ फीमर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डायटम्स। तो नॉट करेक्ट पूछा गया है। डायटम आर एक्वेटिक यूनिसेलुलर प्लांट, ये सही है। डायटम हैज अ एक्स्ट्रा सेलुलर कोट कंपोज ऑफ मैग्नीशियम, नहीं ये गलत है। एसिड डाइजेशन टेक्निक इज यूज टू एक्सट्रैक्ट डायटम, ये सही है। प्रेजेंस ऑफ डायटम इन द फ्यूमोरल बोन मैरो इज एन इंडिकेटर ऑफ एंटीमॉर्टम इनहेलेशन ऑफ वाटर, ये सही है। तो दोस्तों नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर, बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। द एक्स्ट्रा सेलुलर कोट ऑफ डायटम है सिलिका एंड नॉट मैग्नीशियम। सिलिका पाया था, मैग्नीशियम नहीं पाया था। देयर सेल वॉल आर यूजली स्ट्रॉन्गली इम्प्रेग्नेटेड विद सिलिका एंड कंटेन क्लोरोफिल एंड डायटम अ ब्राउन पिगमेंट। डायटम सिक्रीट अ हार्ड सिलिकेसियस आउटर बॉक्स लाइक स्केलेटन कॉल्ड एज फिस्टुल। डायटम आर अ क्लास ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एल्गी फाउंड सस्पेंडेड इन मोस्ट नेचुरल वाटर। डायटम्स आर ऑफ मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस, प्रेजेंस ऑफ डायटम इन ब्रेन और बोन मैरो इंडिकेट्स एंटीमॉर्टम इनहेलेशन ऑफ वाटर। तो मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस इसका सबसे ज्यादा है दोस्तों, क्योंकि अगर एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग है तो उसके बोन मैरो में और ब्रेन में डायटम जरूर पाए जाएंगे। डायटम प्रेजेंट वाटर एंटर्स द लंग विद इनहेल वाटर सब्सिक्वेंटली। ओनली अ लाइव बॉडी विद एन इंटेक्ट सर्कुलेशन कैन ट्रांसपोर्ट डायटम फ्रॉम लंग्स टू द ब्रेन और बोन मैरो। डायटम डिटेक्टेड फ्रॉम बोन मैरो आर दस इंडिकेटिव ऑफ एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग। द टेस्ट इज निगेटिव व्हेन डेड बॉडी आर थ्रोन इन वाटर एंड ड्राई ड्रॉनिंग।
तो दोस्तों अगर किसी डेड बॉडी को ऐसे फेंक दिया गया है पानी के अंदर तो उसके अंदर निगेटिव पाया जाएगा। इसलिए दोस्तों ये मेडिकल लीगली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, डायटम टेस्ट। द करेंट टेक्निक फॉर आइसोलेशन ऑफ डायटम इन्वॉल्व एसिडाइजेशन ऑफ डेड टिश्यू कॉमनली बोन मैरो लंग्स ब्लड किडनी विद सब्सिक्वेंट सेंट्रीफ्यूगेशन एंड वॉशिंग। तो एसिड डाइजेशन टेक्निक यूज होती है दोस्तों, इसके अंदर HNO3 लिया जाता है, बोन को क्रश किया जाता है, क्रश्ड बोन्स। इससे क्या होगा दोस्तों, इंटैक्ट आइटम जो होंगे वो जो है वो विजिबल हो जाते हैं, इंटैक्ट डाई आइटम्स, और फिर जो सिलिका वगैरह होते हैं उससे दिख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ऑल आर सीन इन ड्राउनिंग एक्सेप्ट, तो मियोसिस नहीं देखा जाता है, वेट हैवी लंग्स होता है ये, वॉट एंड वीट इन स्टोमक एंड लंग्स होता है, फ्रॉथ फ्रॉम माउथ ये भी देखा जाता है। तो दोस्तों मियोसिस नहीं, इसके ना मिड्रेसिस देखा जाता है, डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल देखा जाता है। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, सिंस एक्सेप्ट पूछा गया है तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो इन ड्रॉनिंग प्यूपिल आर डायलेटेड, अदर इंपॉर्टेंट साइन ऑफ ड्रॉनिंग आर फाइन कॉपियस परसिस्टेंट लेदरी फ्रॉथ फ्रॉम माउथ एंड नोज, वीट इन टाइटली क्लेंस्ड हैंड, वाटर इन स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, डायटम इन ब्रेन एंड बोन मैरो, एम्फिसीमा एक्वाइजम जिसको वेट हैवी लंग्स को बोला जाता है, क्यूटी सेंसरीना जिसको बूज स्किन भी बोला जाता है, वॉश ऑफ वुमेन हैंड एंड पल्ट ऑफ हेमरेज। ये सारी चीजें जो है अदर साइंस है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं जिटलर टेस्ट इज फॉर, तो ड्रॉनिंग के अंदर ये टेस्ट किया जाता है, हैंगिंग नहीं, आर्सेनिक पॉइजनिंग नहीं, स्ट्रैंगुलेशन नहीं। तो जिटलर टेस्ट ये होता है, काफी कॉमन टेस्ट है दोस्तों। इसके लिए क्या होता है दोस्तों, क्लोराइड लेवल का कंसंट्रेशन हम देखते हैं, बेस्ड ऑन क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो दोस्तों इसके अंदर एक चीज मैं बता दूं कि इससे हम फ्रेश वाटर और सी वाटर ड्रॉनिंग को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। कैसे? तो फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग में हीम डाइल्यूशन देखा जाता है, जिसकी वजह से 25% डिक्रीज इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन देखा जाता है, हो जाता है 25% डिक्रीज इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। वहीं दोस्तों जो सी वाटर ड्रॉनिंग है उसके अंदर हीम कंसंट्रेशन देखा जाता है, जिसकी वजह से 25% ज्यादा जो है कंसंट्रेशन देखा जाता है प्लाज्मा, 25% ज्यादा होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो जिटलर टेस्ट से हम फ्रेश वाटर और सी वाटर ड्रॉनिंग को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जिटलर टेस्ट इज डन फॉर ड्रॉनिंग, जिटलर टेस्ट एस्टिमेट क्लोराइड कंटेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द हार्ट, नॉर्मली द क्लोराइड कंटेंट इज इक्वल इन द राइट एंड लेफ्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट। इन फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग ड्यू टू हीम डाइल्यूशन द क्लोराइड कंटेंट इज डिक्रीज, एंड इन सॉल्ट वाटर ड्रॉनिंग ड्यू टू हीम कंसेंट्रेशन द क्लोराइड कंटेंट इज इंक्रीज इन लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लोराइड कंटेंट डिक्रीज हो जाता है प्लाज्मा कंसेंट्रेशन में, और हीम कंसेंट्रेशन की वजह से ज्यादा ज्यादा ये
क्लोराइड कंटेंट इंक्रीज हो जाता है हीम कंसेंट्रेशन होने की वजह से। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कॉमनेस्ट टाइप ऑफ ड्रॉनिंग इज, तो इसमें से कौन सा कॉमनेस्ट टाइप है ड्रॉनिंग का? सुसाइडल नहीं, एक्सीडेंटल सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट है, होमिसाइडल नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं, तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अगर एक ओवरव्यू दूं तो छोटे बच्चे इसका ज्यादा शिकार बनते हैं, अगर छोटे बच्चे पानी में हो उनको तैरना नहीं आते तो एक्सीडेंटली वो लोग की डेथ हो जाती है, या जिनको तैरना नहीं आता है तो उनकी ये एक्सीडेंटल कॉज ज्यादा होता है। तो एक्सीडेंटल ज्यादा होता है सुसाइडल से, इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ड्रॉनिंग। इन सुसाइडल ड्रॉनिंग बॉडी शुड बी फ्री फ्रॉम मार्क ऑफ एनी इंजरी इंडिकेटिव एनी असॉल्ट और स्ट्रगल। इन केस ऑफ वुमेन द बॉडी इज यूजली फुल्ली ड्रेस एंड क्लोथ आर टाइड इन सच अ मैनर दैट दे प्राइवेट पार्ट आर नॉट एक्सपोज। सम टाइम डिटरमाइंड सुसाइड मे टाई हिज लेग्स एंड हैंड टूगेदर और अटैच वेट टू हिज बॉडी, टेक पॉइजन और कट थ्रोट बिफोर इमर्शन। हाउएवर इट शुड बी एग्जामिन whether tie could have been made by person himself. If the body is found with heavy weight attached to it or hand or legs tied with rope, it must be either homicide or suicide or with children homicide alone. Homicidal drowning is very rare except in infant and children. Mark of severe violence applied to head, strangulation, throttling or bruise are strongly presumptive of homicide. Post-mortem injury by fishes, crab, frog, etc. lack sign of vital reactions. तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि accidental drowning ज़्यादा देखी जाती है suicidal case में, और काफ़ी सारे तरीके लोग अपनाते हैं, जैसे अपना वेट, जैसे हाथ पे बांध के वेट डाल दिया ताकि वो ऊपर ना आ सकें, पॉइजन भी लेते हैं, गला भी काट लेते हैं, तो ऐसे करके काफ़ी सारे कोशिशें भी वो करते हैं। लेकिन मेन जो इसका मतलब है कि ज़्यादातर ये होमिसाइडल या सुसाइडल से ज्यादा ये एक्सीडेंटल केस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, सुसाइडल ड्रॉनिंग डिफर्स फ्रॉम होमिसाइडल ड्रॉनिंग बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो एब्सेंस ऑफ साइन ऑफ स्ट्रगल, ये सुसाइडल ड्रॉनिंग में बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर कोई सुसाइड करेगा तो स्ट्रगल के साइन का एब्सेंस कम रहेगा इसके अंदर, तो सही जवाब ये। मार्क्स ऑफ वायलेंस और बॉडी एब्सेंट, ये भी सही है, क्योंकि वायलेंस का कोई भी मार्क नहीं होगा, वो होमिसाइडल के केस में मार्क्स देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी ने किसी पर्सन को डुबोया तो वो अपने आप को बाहर निकालने के लिए स्ट्रगल करेगा, तो इधर वो स्ट्रगल कर रहा है, उधर से जो एक्यूज है वो जो है पानी में डुबोने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वजह से वायलेंस हो सकता है। तो लेकिन सुसाइडल केस में ऐसा कोई भी वायलेंस नहीं देखा जाएगा। अनटॉर्न क्लोथ, यानी कि जो कपड़े होंगे वो फटे हुए नहीं होंगे सुसाइडल केस में, होमिसाइडल के केस में वो कपड़े फटे हुए हो सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो गया डी, नन ऑफ द अबव। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया, जिटलर टेस्ट हो गया, डायटम टेस्ट हो गया, ये सारी चीजें हो गई। तो आपको एक चीज और बता दूं मैं कि वॉश वुमेन हैंड दोनों में दिखाई देते हैं, वॉशरूम एंड हैंड एंटीमार्टम पोस्टमार्टम दोनों में दिखाई देते हैं, एंटीमार्टम एंड पोस्टमार्टम ड्रॉनिंग दोनों में दिखाई देता है। इसके लिए क्या होता है दोस्तों, चेंजेस ऑफ स्किन एंड पाम इन पाम एंड सोल, इसके दोस्तों जो व्रिंकल्स आएंगे वो लगभग 3 से 4 घंटे में आ जाते हैं। ब्लीचिंग जो होगा दोस्तों वो 12 घंटे में आ जाता है। सॉर्डनिंग जो होता है वो लगभग 24 से 36 घंटे में आ जाता है। और क्यूटिकल पील ऑफ, ये 3 से 4 डेज में दिन में आ जाता है। ब्लीचिंग दोस्तों होता है ये कलर चेंज होना, थोड़ा सा व्हाइटिश होने लग जाता है, और
शॉर्टनिंग होता है दोस्तों, स्किन जो है मिल्क कलर की थोड़ी बहुत होने लग जाती है। तो ये वॉशर वूमेन हैंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो इसी के साथ दोस्तों ये सेशन मैं एंड करता हूँ। ये एक रिकॉर्डेड सेशन है दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप ऐप के अंदर आप मेरे से पूछ सकते हैं। ऐप के अंदर मैंने जो है लाइव क्लासेस लेता हूँ, तो उसके अंदर आप कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो एंड करने से पहले दोस्तों, द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन द गोल एंड नॉट ऑब्स्टिकल्स। तो दोस्तों नीट पीजी का के लिए जो ये जो जर्नी है, नीट पीजी क्वालिफाई करने के लिए जो जर्नी है, तो इसमें दोस्तों ऑब्स्टिकल तो बहुत सारे आएंगे, जैसे डिप्रेशन है, डीमोटिवेशन है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम, बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आने की संभावना होती हैं। लेकिन दोस्तों ये आपको अगर सक्सेस पाना है तो आपको सिर्फ अपने गोल के पीछे ही भागना है। आपको सिर्फ अपना पूरा फोकस, गोल आपका जो गोल है कि आपको 1 डिजिट रैंक या 2 डिजिट रैंक या मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 डिजिट रैंक के अंदर आप कोशिश करो रैंक लाने के लिए, तो आपको सिर्फ यही एक चीज होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों जो मैं हमेशा आपसे कहते आया हूँ कि अगर आप डेली 8 से 10 घंटा पढ़ाई करते हैं, अगर आप डेली 8 से 10 घंटा पढ़ाई करते हैं, तो उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 4 से 5 घंटा आप थ्योरी को दे दीजिए और बाकी से के 4 से 5 घंटे आप रिवीजन या एमसीक्यूज या टेस्ट या ग्रैंड टेस्ट इसके लिए निकाल लीजिए। और कोशिश करिए दोस्तों, ये जो 4 से 5 घंटा है इसके अंदर आप जो टेस्ट दो वो 3:30 बजे शाम से दो, क्योंकि दोस्तों जो नीट पीजी का जो एग्ज़ाम होता है वो शाम को 3:30 बजे से होता है। तो अगर आप अब से जैसे 8 महीने बचे हैं एग्ज़ाम को, अगर आप 8 महीने लगातार अगर आप शाम को 3:30 बजे से अगर आप ग्रैंड टेस्ट देते हो, तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपका माइंड 3:30 बजे से काफ़ी शार्प चलने लगेगा। तो एग्ज़ाम से पहले आपको कोई शेड्यूल भी नहीं चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग का ये आदत होता है कि वो दिन भर सोते हैं, रात भर जगते हैं, या खाना खाने के बाद वो दोपहर में सोने की आदत डालते हैं ताकि वो देर तक जग सके। तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा, जो 3:30 बजे से जो शाम का जो पेपर होता है दोस्तों, ऐसे में क्या हो सकता है कि नीट पीजी एग्जाम से पहले आप अपना शेड्यूल चेंज करने की कोशिश करो, या हो सकता है कि नींद आने की पॉसिबिलिटी हो जाए। तो दोस्तों ऐसे में वो सारी चीज़ें एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है अपनी अच्छी प्रिपरेशन होने के बावजूद। तो दोस्तों अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो कोशिश करिए कि शाम को 3:30 बजे से आप अपना ग्रैंड टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों अगर आप ये करेंगे तो आपको कोई भी एग्जाम से पहले अपना शेड्यूल बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया था, काफी लोग दिन में सोते हैं, रात भर जगते हैं, ठीक है, सबका अलग अलग हिसाब होता है, लेकिन ऐसे में होगा ये दोस्तों कि अगर आप दिन में 3:30 बजे से एग्जाम टेस्ट देते हैं तो आपका एक शेड्यूल बन जाएगा, आपको नींद नहीं आए करेगी उस टाइम पे, और आपका माइंड एक्टिवली उस टाइम पे काम करा करेगा। तो दोस्तों ये काफी अच्छी ट्रिक है, काफी अच्छी चीज है ये, एक बार करके देखिए। क्योंकि अगर दोस्तों एग्जाम क्वालिफाई करना है और जब आप जानते हैं कि शाम को 3:30 बजे से एग्जाम होता है, और अगर आप 8 महीने लगातार अपना शेड्यूल बना के रखते हैं कि उस टाइम पे अगर आप नहीं पढ़ाई कर रहे होते हैं या उस टाइम पे आप सो रहे होते हैं ताकि आप रात में जग सको, तो दोस्तों एग्जाम से पहले फिर आपको शेड्यूल चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप शेड्यूल चेंज करोगे तो फिर पढ़ाई में थोड़ा सा इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी कम हो जाएगी एग्जाम से जस्ट पहले, और आप नहीं चाहोगे कि एग्जाम से जस्ट पहले आपकी एफिशिएंसी कम हो जाए। तो इसलिए दोस्तों एग्जाम से जस्ट पहले आपकी एफिशिएंसी एकदम बरकरार रहे, 100% रहे। इसलिए दोस्तों ये चीज़ है कि आप शाम को 3:30 बजे से आप टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। अगर आप डेली 8 मिनट तक अगर आप सोचिए 3:30 बजे तक, 3:30 बजे से अगर आप ग्रैंड टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं तो कितने सारे बेनिफिट मिलेंगे आपको। एक तो आपका पूरा एमबीबीएस का जो सिलेबस है उसके आपको पता चलेगा कि आपका इवेल्यूशन क्या है, इवेल्यूशन आप कर पाओगे किस टॉपिक में आप कमज़ोर हैं या किस टॉपिक में आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है, ये सारी चीज़ों का भी पता चलेगा। प्लस शाम को 3:30 बजे से अगर आप ग्रैंड टेस्ट देते हैं तो प्लस आपका माइंड एकदम इफेक्टिवली और शार्पली चलेगा, प्लस आपको नींद नहीं आएगी। तो सिर्फ इस एक चीज़ से दोस्तों आपको कितने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, रिविजन भी हो रहा है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ग्रैंड टेस्ट की आपकी प्रैक्टिस हो रही है, और आप जो पढ़ रहे हैं उसका भी रिविजन हो रहा है, मतलब हर चीज़ का बेनिफिट ही बेनिफिट यहाँ पे सामने निकल के आता है। तो दोस्तों इसी साथ सेशन को एंड करने से पहले हमारे जो चैनल लेट्स क्रैक नीट पीजी, इसको सब्सक्राइब करिए दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा।
दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करा करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड्स रखने के लिए, क्योंकि दोस्तों एक रिकॉर्डेड सेशन है ये, तो मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड रखूँ ताकि आपको किसी भी चीज़ का डाउट ना रहे। लेकिन बाई चांस अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट आ जाता है तो आप ऐप के अंदर, मैं लाइव क्लासेस देता हूँ, आप उसके अंदर अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों भूलेगा नहीं, मैं जो कोड है वो है LIVEDRM, अगर आप ये कोड अप्लाई करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर एक चीज़ के ऊपर का फोकस करवाऊँ मैं, तो 24 मंथ के जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं दोस्तों 30,000 रुपीज़। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRM तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज़ का। ऐसे ही दोस्तों जो 12 मंथ के जो चार्जेस होते हैं, 12 मंथ के जो चार्जेस हैं दोस्तों वो हैं 22,500, और दोस्तों जो 1 मंथ के जो चार्जेस हैं वो होते हैं 4,500। तो दोस्तों अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये भी आता है 27,000 रुपीज़। तो दोस्तों आपने देखा अगर एक साल के सब्सक्रिप्शन में अगर 1 मंथ का चार्जेस और ऐड कर दें तो यानी सिर्फ 13 मंथ के चार्जेस में आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट आपको मिलता है। तो दोस्तों ये चीज़ मैं 2 साल के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एग्ज़ाम के बाद, नीट पीजी एग्ज़ाम के बाद भी आप अपने पढ़ाई के टच में रह सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम होता है फिर रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद फिर काउंसलिंग का टाइम आता है, और जब तक काउंसलिंग का टाइम आता है दोस्तों तब तक जो है फर्दर एग्ज़ाम जैसे एम्स वगैरह हैं, PGI वगैरह, इन सब के भी एग्ज़ाम की बारी आ चुकी होती है। तो दोस्तों ऐसे में आप अपनी पढ़ाई के टच में रह सको, इसलिए 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकता है, हो सकता है। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, आप अगर मान लीजिए प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करते रहते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा कमांड आपका बरकरार रहेगा, आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहते रहेंगे। जब आप कॉलेज के अंदर एडमिशन लेंगे, PGI, जब आप PGT बनेंगे तो आपकी नॉलेज एकदम एक्यूरेट रहेगी, अप टू डेट रहेगी, क्योंकि आप एकदम लेटेस्ट नॉलेज के साथ आप एंटर करेंगे अपने जो आपका जो प्रेफरेंस जो आपकी कॉलेज होगी या प्रेफरेंस जो ब्रांच होगा उसमें। मान लीजिए आपका प्रेफरेंस जो आपकी है वो ऑर्थोपेडिक है, तो आप कोशिश ये करिए कि ऑर्थोपेडिक के जितने भी लाइव लेक्चर्स होंगे आप उनको अटेंड करते रहिए। तो क्या होगा दोस्तों, आपकी नॉलेज एकदम अप टू डेट रहेगी। अगर मान लीजिए आपका गोल अगर ऑप्थल्मोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट का है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे दोस्तों, आपकी जो नॉलेज है वो एकदम अप टू डेट रहेगी, आप जो है पढ़ाई के टच में रहोगे। तो जब आप कॉलेज के अंदर जब आप एंटर करोगे तो आपको किसी भी चीज़ का ये नहीं रहेगा कि पढ़ाई छोड़े तो मेरे को 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों हर चीज़ का बेनिफिट मिलेगा अगर आप ये 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, प्लस मेरा कोड यूज़ करके आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल रहा है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे सिंस ये अभी कोरोना वायरस का इतना पैंडेमिक हो रहा है, तो दोस्तों आप अपने घर के सेफ इन्वायरमेंट बैठ के आप लाइव क्लासेस का बेनिफिट भी उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ऑफलाइन में जो 500 बच्चा या काफ़ी सारी गैदरिंग होती तो उसमें काफ़ी सारा रिस्क रहता है, अभी तो वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है हर चीज़ का, तो वैसे भी दोस्तों गैदरिंग से अवॉइड करने के लिए भी अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे आप घर के सेफ इन्वायरमेंट में कर रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट जो मेरे को ये लगता है कि आप यहाँ पे जो पोल्स जो हम देते हैं जिसके 4 ऑप्शन हैं वो आप अपने स्क्रीन में आपको सिंपली टच करना जो करेक्ट आंसर है, तो आप MCQs की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं एजुकेटर के सामने, तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं दोस्तों। तो एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन मैं एंड करता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।